नमस्कार दोस्तों, मैं गजानन मेरे आज एक बढ़िया वीडियो आपके लिए लाया हूँ, जो बहुत मेरे दोस्तों की रिक्वायरमेंट थी कि रिचार्ज फार्म जो एप्लीकेशन है इसमें बैलेंस कैसे ट्रांसफ़र किया जाता है, यानी बैलेंस कैसे मंगवाया जाता है। चलिए शुरू करते हैं। रिचार्ज फार्म का एप्लीकेशन, जैसे कि मैं लॉगिन कर रहा हूँ, आप देखिए ऑफलाइन, अभी ऑनलाइन आया हूँ। ये मेरा मोबाइल नंबर है, पासवर्ड है, यहाँ पे लॉगिन कर रहा हूँ। अब ये लॉगिन करने के बाद ऐसी स्क्रीन आपके सामने आएगी, जैसे कि देखिए यहाँ पे मेरा बैलेंस, रिमेनिंग बैलेंस दिखा रहा है, उसके बाद बैलेंस ट्रांसफ़र, ये सब कुछ चीज़ें यहाँ पे क्लिक के बाद में रिक्वेस्ट लिस्ट आएगा, पेमेंट रिक्वेस्ट लिस्ट। इसे क्लिक करने के बाद यहाँ पे पेमेंट रिक्वेस्ट भेजना है, जैसे कि यह है कंपनी का अकाउंट नंबर, उसके बाद आपका जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है वहाँ पे लिखना है, उसके बाद आप क्या कर रहे हो, IMPS कर रहे हो, NFT कर रहे हो, RTGS कर रहे हो, UPI पेमेंट कर रहे हो, सेम बैंक ट्रांसफ़र कर रहे हो, कैश डिपॉजिट कर रहे हो। अगर कैश डिपॉजिट कर रहे हो तो यहाँ पे कैश डिपॉजिट करके यहाँ पे डिपॉजिट बैंक नेम और अमाउंट लिखना है। अगर समझ आप IMPS कर रहे हो तो यहाँ पे जो आपको UTR नंबर आता है, UTR नंबर, वो UTR नंबर आपको यहाँ पे लिखना है, और जितना रुपए का आपने अमाउंट ट्रांसफ़र किया है वो ट्रांसफ़र आपको यहाँ पे लिखना है, और रिमार्क ओके लिखना है या तो फिर रिचार्ज लिखना है। उसके बाद में आपको ये होने के बाद में ऑटोमेटिकली आपके अकाउंट में बैलेंस क्रेडिट हो जाएगा, या 5 या 10 मिनट बाद। अगर समझो कोई दिक्कत भी आई हो तो आप मुझे भी कॉल कर सकते हैं, मेरा नंबर नीचे स्क्रीन पे लिखा हुआ है, या तो फिर डिस्क्रिप्शन में इस एप्लीकेशन का लिंक भी दे रखा हूँ। इसके अगर आपको किसी को अकाउंट ओपन करना हो तो आप सीधे मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, तो कमेंट बॉक्स में मेरा नंबर भी वह शो कर रहा हूँ। आपको ये वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके बताइए। अगर ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और बेल आइकन का बटन दबा दीजिए, और ये आप किसी अपने दोस्त को भी शेयर कर लीजिए, जो भी घर बैठे बैठे अपना बिजनेस कर सकते हैं, 3% कमीशन कमा सकते हैं इस बिज़नेस के।